अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम पे हम लाहौर के जो ऑरेंज लाइन के अनारकली स्टेशन पे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। इट्स 27 किलोमीटर विद 25 स्टेशन जो हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर हैं और 2 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं और 1 स्टेशन पे इस टाइम पे हम मौजूद हैं। तो गाइज़, आज हमने सफ़र किया ऑरेंज लाइन को और बड़ा अच्छा लगा। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, एयर कंडीशन बस है, नॉइस पीस की कम है और वो फैसिलिटीज़ जो आपको गाड़ियों में मिलती है आप यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि कुछ स्टेशन्स पे पार्किंग काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे आप गाड़ियाँ वगैरह पार्क करके आप इस ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो UET को जो इन्होंने स्टेशन दिया हुआ है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका काफ़ी फ़ायदा है। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा ठोकर नियाज़ बैग से UET तक सफ़र कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट गाड़ी में काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो आप 40 रुपीज़ में कर सकते हैं। जो इनका थोड़ा सा इशू है वो वॉशरूम का है, वो साफ़ नहीं है। बाकी 2.5 लाख लोग रोज़ाना इसमें सफ़र करते हैं और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $1.55 बिलियन है और जो कि एक लोन की सूरत में चाइना ने हमें दिया है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, आप भी ज़रूर आएँ और इसको विज़िट करें, एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें चाहे आप गाड़ी चलाते हों, क्योंकि ऐसा मास ट्रांजिट प्रोग्राम वो हर सिटी में होना चाहिए। तो चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।